हाय फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ डिफरेंट बिकॉज इसमें हम कुछ थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंबाइन करके वीडियो बनाया है और दिस इज़ हेल्पफुल फॉर ऑब्वियसली गेट IES, RRB एंड SSC एग्ज़ाम्स. सो प्लीज़ कमेंट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन. फोर्जिंग डाई डिज़ाइन. सो अभी हम और एक कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज़ गटर, और एज वेल एज हम फोर्जिंग डाई का भी इसमें देख लेंगे. सो इन एडिशन टू द प्लैश, प्रोविजन शुड बी मेड इन अ डाई फॉर द एडिशनल स्पेस सो दैट एनी एक्सेस मेटल कैन फ्लो एंड हेल्प इन द कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ द डाई. दिस इज कॉल्ड गटर. इट इज़ अ स्मॉल कैविटी आउटसाइड द डाई इम्प्रेशन जो आप इधर देख सकते हैं. सो लिटिल एक्सटेंशन ऑफ द प्लैश. प्लैश जो होगा इट इज़ लाइक प्लैट. सो उसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिया तो दैट इज़ गटर. सो कुछ केस में गटर प्लस प्लैश दोनों एक ही साथ में रहते हैं, और इन केस सम केस वी विल यूज द गटर. सो दिस इज़ बिकॉज it is an additional space so that any excess metal can flow and help in the complete closing of the die. So for complete closing of the die we are providing the gutter. Without a gutter a plash may become excessively thick. So gutter nahi rahega to the plash jo hum pehle dekha it is excessively thick, not allowing the dies to close completely. So die jab plash jo excessive thick hoga it will not allow dies to close completely. So this is about gutter. Gutter depth and width should be sufficient to accommodate the extra material. Gutter ka width and depth should be sufficient to accommodate the extra material. अभी कुछ parts देखेंगे in the die design. This is upper mold, जैसे हम casting में होता है upper mold, lower mold, and this is called as land, and this is the die cavity and rib, corner radius, जो जर रेडियस है कॉर्नर का इट इज़ कॉर्नर रेडियस, पार्टिंग लाइन सेम लाइक इन द कास्टिंग, एंड देन वेब और पिलेट रेडियस. दीज आर द पार्ट्स इन द डाइज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द प्रोविजन ऑफ गटर्स. सो प्रोविजन ऑफ गटर्स किस में होगा आउट ऑफ these four options. Closed die forging, centrifugal casting, investment casting, impact extrusion. So we know already closed die forging require the gutters. So that is here we can see the gutter just humne dekha hai. At the last hammer stroke the excess material from the finishing cavity of the forging die is pushed into. So jo last hammer stroke hoga usme excess material from the finishing cavity of forging die is pushed into gutter. So gutter is the answer. Drop forging. Forging process where a hammer is raised and then dropped onto the workpiece to deform it according to the shape of the die. So इधर क्या होता है, hammer is raised and then dropped on the workpiece. So hammer को हम raise करके we are going to drop it on the
वर्कपीस. सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप फोर्जिंग. देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉप फोर्जिंग, ओपन डाई ड्रॉप फोर्जिंग और क्लोज डाई ड्रॉप फोर्जिंग. सो ओपन डाई ड्रॉप फोर्जिंग एंड क्लोज डाई ड्रॉप फोर्जिंग, दीज आर टू टाइप्स इन द ड्रॉप फोर्जिंग. इन ड्रॉप फोर्जिंग, फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग. सो ड्रॉप फोर्जिंग में फोर्जिंग किस चीज़ को ड्रॉप करने से होता है, वी हैव टू आंसर. द वर्क पीस एट हाई वेलोसिटी. सो काली वर्क पीस को हाई वेलोसिटी में ड्रॉप करने से, दैट इज नॉट करेक्ट. द हैमर एट हाई वेलोसिटी. द हैमर एट हाई वेलोसिटी, इधर हम देख सकते हैं, दिस इज द हैमर, दिस इज पंच और डाई. सो इधर क्या होता है, द हैमर को लिफ्ट किया और ड्रॉप्ड एट हाई वेलोसिटी ऑन द पंच टू प्रोड्यूस द फोर्जिंग. सो इधर द हैमर एट हाई वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी है द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी. सो इधर वो बोल रहे हैं, सो डाई और हैमर को दोनों को उठा के और इसको नीचे हाई वेलोसिटी में ड्रॉप करते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन. अ वेट ऑन हैमर टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्ट साइट इम्पैक्ट. वेट ऑन हैमर तो नहीं रहेगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. ड्रॉप फोर्जिंग इज यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल कंपोनेंट्स, लार्ज कंपोनेंट्स, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स इन लार्ज नंबर्स, मीडियम साइज कंपोनेंट्स. सो दिस इज द क्वेश्चन अबाउट साइज. ड्रॉप फोर्जिंग इज यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल कंपोनेंट्स. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग लार्ज कंपोनेंट्स, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स इन लार्ज नंबर, नॉट ऑल्सो द मीडियम कंपोनेंट्स. ओनली स्मॉल कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द ड्रॉप फोर्जिंग. प्रेस फोर्जिंग. मेटल इज क्वीज्ड ग्रेजुअली बाय हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस. इधर जो यूज ऑफ हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस से वी आर डूइंग फोर्जिंग, मतलब इधर जो हम रैम है ना, इसको हम हाइड्रोलिक कनेक्शन देते हैं, तो वी आर गिविंग द फोर्स बाय द हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल प्रेसेस, और जिससे जो हमारा फोर्जिंग रेडी होता है. एंड कंपोनेंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल क्लोजिंग ऑफ डाई. ये जो डाई होगा इन अ सिंगल क्लोजिंग, मतलब सिंगल ऑसिलेशन में ही द कंपोनेंट इज प्रोड्यूस्ड. बट इधर हमारा ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता था, एवरी टाइम हम हैमर को उठा देते और उसको फेंकते थे, सो बाय दैट वी यूज टू प्रोड्यूस. बट इन प्रेस फोर्जिंग सिंगल क्लोजिंग में ही हमारा कंपोनेंट रेडी होता है. हैंस द डायमेंशनल एक्यूरेसी इज मच बेटर देन द ड्रॉप फोर्जिंग. सो इसलिए ड्रॉप फोर्जिंग से भी डायमेंशनल एक्यूरेसी इन प्रेस फोर्जिंग आर मच बेटर. एडवांटेजेस ऑफ प्रेस फोर्जिंग ओवर ड्रॉप फोर्जिंग. प्रेस फोर्जिंग इज फास्टर देन द ड्रॉप फोर्जिंग. अलाइनमेंट ऑफ टू डाई हॉल्स कैन बी मोर ईजीली मेंटेन. सो इसका जो डाई का अलाइनमेंट जो होगा इन द प्रेस फोर्जिंग इज टू कन्वीनियंट. स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू द ड्रॉप फोर्जिंग. सो स्ट्रक्चरल क्वालिटी जो होगा, दिस आर सुपीरियर इन द प्रेस फोर्जिंग कंपेयर टू ड्रॉप फोर्जिंग. Which one of the following process is most commonly used for forging of bolt heads of hexagonal shape? So for bolt heads of hexagonal shape production करने के लिए which of the following process is used? Options are closed die drop forging,
ओपन डाई ड्रॉप फोर्जिंग, क्लोज डाई फ्रेश फोर्जिंग और ओपन डाई प्रोग्रेसिव फोर्जिंग। सो फॉर हेक्सागोनल हेड बोल्ट्स के लिए वी आर यूजिंग क्लोज डाई फ्रेश फोर्जिंग, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। रोल फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग टेक्निक दैट यूटिलाइजेस opposing rolls to shape a metal parts. So you can see here, this is the roll forging. Idhar kya hota hai, opposing rolls to shape the metal. To roll hai, these are rotating, so it is called as opposing rolls to shape the metal. Idhar hum kuch dekh sakte hai, the thickness is large and thickness is small and we have the shape what we are required. So that cavity is here in the roll forging. Even though roll forging is used rolls in order to accomplish the deformation of material, it is classified as metal forging process and not the rolling process. So even after the rolling usage से इसको हम metal forming में classification देते हैं, not on the rolling process. Screw rolling, it can be used to manufacture the milling, steel ball bearings, auto part and other products. Round stock is feed continuously to two specially designed opposing rolls. तो screw rolling में क्या होता है, we have a round cylindrical component, इसको हम ये जो specially designed screw rolls है इस पर हम feed कर रहे हैं. So due to its design the end product is our circular shape. So this is the product in the screw rolling. Cylindrical workpiece ko we are feeding and the product is circular balls. These are used in bearing ball, steel ball or auto parts. Material is forged by each of the grooves in the rolls and emerges from the end of the metal ball. So material ko hum idhar feed kar rahe and it is emerging as a metal ball in the screw rolling. So this is about screw rolling. Smith forging, jo hamara traditional technique hai, blacksmith uses this forging method. Quality of product depend on the skill of ऑपरेटर. जो स्किल ऑपरेटर रहेगा तो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मे गुड, इफ ही इज नॉट स्किल्ड इट मे नॉट बी अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. स्मिथ फोर्जिंग, सो स्मिथ फोर्जिंग वी नो ऑलरेडी एंड इट इज कैरीड आउट मैन्युअली in open dies. And next drop forging, so drop forging hoga, it is done in closed impression dies by hammer in blows. So hammer in blows jo hota hai in the drop forging. And then press forging, so press forging that is here हाइड्रोलिक से होता है, सिंगल इसमें हम फोर्जिंग को फिनिश करते हैं. सो दिस इज डन इन क्लोज्ड इंप्रेशन डाइज बाय कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग फोर्स. कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग फोर्स मीन्स जो हम इसको सिंगल ऑपरेशन में स्क्वीज करके, दैट इज कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग फोर्स. एंड नेक्स्ट मशीन फोर्जिंग,
So machine forging, it is material is only upset to get the desired shape. It is in the machine forging. Thank you very much for watching the video.